संक्षिप्त शिव पुराण नौवां अध्याय रुद्र संहिता नौवां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रुद्र यानी महेश भी कहते हैं इसको। और परंतु शिव ये काल खुद शिव रूप में प्रकट हो जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में हो जाता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। यानी काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव से अलग है। अभी भी आपको दिखाया था, अब फिर थोड़ा दिखाना पड़ेगा। वही प्रकरण है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया और इस बात पर मैं तेरा बाप विष्णु कहता, मैं तेरे बाप, ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये 24 पृष्ठ पर संक्षिप्त शिव पुराण में और विध्वेश्वर संहिता में। तो यहाँ इन दोनों का झगड़ा हुआ तो वो काल आ गया बीच में। फिर वो कहता है, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला इनका बाप पिताजी। अब देखिएगा 26 पृष्ठ पे, हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि शंका ना रह जाए। 26 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। यु काल बोला, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से, सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत प्राप्त किए। और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश ने, एक मैं नहीं है, ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये शिव पुराण बोलने वाला। तो ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और बताते हैं, क्योंकि जब तक हम एक कंसेप्ट को क्लियर करके आगे नहीं चलेंगे तो आपका सत्संग सुनना या सुनना बराबर रहेगा। और एक बार इसको ढंग से सुन लोगे फिर सदा का सुख हो जाएगा। अब देखिए एक और बताते हैं देवी भागवत में, फिर 123 पृष्ठ पे। ये गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है और इसके अनुवादक कौन हैं, हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिए, तीसरे सकंद में, तीसरा सकंद। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, भगवान विष्णु कह रहे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म और त्रोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। सपष्ट है विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं और तू हमारी माता है। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए हैं। हाय, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इन तीनों गुणों से उत्पन्न अपुनात्माओं, इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने इस पवित्र देवी पुराण की चंद पंक्तियों ने ये चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, ये अजर व अमर नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि केवल जैसा जिसका कर्म है उतना ही दे सकते, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हमने इसको समझने के लिए गीता जी को सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब ये, क्योंकि गीता जी चारों वेदों के संक्षिप्त वर्णन है इसमें और कोड वर्डों में है। इसको तत्वदर्शी संत बताओगा, ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह चुका है। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है, और यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, ये तीनों गुण भी कहलाते हैं। इति सिद्धम। पुण्यात्माओं, अब हम श्रीमद देवी भागवत को बहुत आसानी से समझेंगे। देखिएगा, ये श्रीमद देवी भागवत जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वें अध्याय का, हम पंचदशो अध्याय का प्रथम मंत्र हमने पढ़ लिया, और दूसरा ये है कि इस संसार की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप, ये शाखाएं हैं। यहाँ देखिएगा, विषय परवाला शाखा, विषय परवाला शाखा, विषय भोग यानी विकारों वाली ये शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में, कर्मानुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु में, इस बांधन की मुख्य कारण हैं, जड़ हैं, जो कारण बीमारी की जड़ ये हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई है, सभी लोकों में नहीं, केवल तीन लोकों में, ऊपर और नीचे। तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। विचार काल माने गीता ज्ञानदाता कहता है, इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में मुझे जो जानकारी है वह पूर्ण नहीं है। तेरे मेरे इस विचार काल में, गीता जी के डिस्कशन में, मैं कंप्लीट नहीं बता पा रहा। इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के बारे में जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, मुझे इसका आदि और अंत का पता नहीं है, और न इसकी अच्छी तरह प्रकाश स्थिति है, क्योंकि मैं नहीं जानता। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, सुविरुद्ध मूलम अहमता ममता वासना नहीं, अति दृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी परमात्मा रूपी तो जड़ हैं, वो तो अविनाशी है, कभी नाश में आता नहीं, वो दृढ़ मूल माने अविनाशी परमात्मा रूपी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेन इन वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी तत्व ज्ञान से अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक में स्पष्ट कर दिया, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस भगवान ने, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, यानी पद पद माने पूजा कर, गीता ज्ञानदाता कहता उसी की पूजा करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। पुण्यात्माओं, प्रसंग चला था के सतयुग के ब्राह्मणा ने कह कह का भी नहीं बिरा, और ये कलयुग के तो बताए रखे हैं, आपने पढ़ लिया, बार बार कहता भी शोभा ना देता। और सतयुग के ब्राह्मणा की ये स्थिति है कि वो दुर्गा की पूजा करते थे और वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे, ओए होए, दुर्गा कहती है नहीं मेरी पूजा भी छोड़ दो, ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्म लोक में रहता है, वहाँ चले जाओगे। और ब्रह्म कहता है कि नहीं मैं भी नाशवान हूँ, मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं और तेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं। 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 में स्पष्ट कर दिया कि तू तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त करके और फिर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 दिखाते हैं आपको, अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 5 यहाँ पर है, इसका अनुवाद यहाँ किया है। हे परमतम अर्जुन,
मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हे परमतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अब नौ में ये चौथे जाएगा, नौवा। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अध्याय नंबर दो का श्रीमद् भगवद गीता और 12 श्लोक है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। स्पष्ट हो गया, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि हम पहले भी थे, ना सोचा पहले ना थे, आगे ना होंगे, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु तुम्हारे होते रहेंगे। अब 17वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक देखिएगा। इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसलिए कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वां का है, 62वें श्लोक में, हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। सब प्रकार माने सबकी पूजाएं त्याग कर उसकी शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, फिर तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। पुण्यात्मा, कुछ भक्त जन ये समझते हैं कि संत रामपाल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना आलोचना करता है, नहीं, और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजाएं छुड़वाता है। पुणात्माओं, ना तो कुछ छोड़ना है, हमने अपनी साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा, जिससे हमें लाभ होगा। जैसे संसार रूपी एक वृक्ष है, अभी आपने देखा, और पुण्यात्मा, आप जी ने कोई आम का पेड़ बोना है, आप जी ने कोई भक्ति क्रम करना है, आम का पौधा बीजना है, तो कैसे बीजोगे? उसको जड़ की तरफ से गमले में तो पौधा बनाओगे, और फिर मिट्टी में भी गड्ढा खोद कर जड़ की तरफ से लगाओगे, और फिर जड़ की सिंचाई करोगे, मूल की, जड़ों की। तो जड़ की यानी मूल की सिंचाई करने से संसार रूपी ये पौधा बड़ा होगा, और फिर टहनिया के फल होंगे, लगेंगे। परमात्मा कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा, सीधा बीजा हुआ, लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये है एक पौधे को बीजने का प्रॉपर वे, सुचारू विधि ये है। नीचे को जड़ है, जड़ को मिट्टी में या गमले में पौधा बनाया है, फिर इसको गड्ढा खोदकर मिट्टी में डाला जाए, और फिर जड़ की पूजा करें। फिर इससे क्या होगा कि ये सब टहनियाँ बढ़ जाएंगी, ये देवता, और हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी टहनियों की तरह पूजा शुरू कर दी, और जड़ की पूजा छोड़ दी, हमने साधना शास्त्र विरुद्ध शुरू कर रखी है। और परमात्मा यही कहा करते, ये दास भी यही कहता है, परमेश्वर कहा करते थे कि इसको ऐसे कर लो, एक कैसा दे सब सदे है, सब साधे सब जावे, सब साधन थे सारा नष्ट हो गए थे, पौधा उगना ही नहीं, लगना ही नहीं। एक कैसा दे सब सदे, एक की साधना करने से सारा पौधा प्रफुल्लित हो जाएगा, और सब साधे सब जावे। माली यानी समझदार व्यक्ति जो सही प्रोसीजर से परिचित है, माली सींचे मूल को हो, वो फल फूल गोए,
कितने सिंपल वे